हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह हो चुकी है, सुबह को 10:30 के ऊपर हो चुकी है। बस भूख लगी है जोर से, तो खाएंगे। तो आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, जैसे कि मूढ़ी वगैरह नहीं है, तो आज बनाएंगे। तो घर में है आटा, तो आटा के कुछ बनाएंगे। तो बनाएंगे छिलका रोटी। तो छिलका रोटी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग भी घर में बना सकते हो, एकदम मस्त बनती है, तो बढ़िया टेस्ट भी बहुत बढ़िया। तो चलिए तो छिलका रोटी बनाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तो देखें। तो अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छिलका रोटी बनाना। मसाला के लिए भाभी ने रसुन का छिलका को निकल रही है, बस फिर उसे सिलबट्टा में बांटेगा। तो छिलका रोटी बनाने के लिए भाभी ने मसाला पीसना शुरू कर दिया। भाभी एकदम मस्त तरीके से मसाला को पीस रही है। तो एक नया तरीका का रेसिपी है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो कैसे बनाते हैं हम लोग तो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना। तो फाइनली मसाला पीस चुके हैं, और अभी बनाएंगे छिलका रोटी। तो छिलका रोटी बनाने के लिए हमने आटा लिया है, और आटा का साथ लिया है प्याज, थोड़ा थोड़ा एकदम बारीक बारीक काट के लिया है प्याज साथ में। तो कुछ मसाला लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी भाभी ने जैसे सिलबट्टा में बांट के एकदम मसाला रेडी कर लिया है, तो मिला के बनाएंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखिए हमारा भाभी चूल्हे में आग लगा रही है, देखिए तो फूंक रही है अभी। देखिए फाइनली हमारा चूल्ही लग चुकी है, आग पकड़ लिया है हमारा चूल्ही। देखिए बस अब बनाएंगे। देखिए तापा को भी बिठा दिया है भाभी ने चूल्ही पे। बस अभी थोड़ा सामान रेडी करते हैं। तो सामान क्या क्या हमने लिया है तो दिखाते हैं आप लोगों। देखिए सामान हमने लिया है, मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ये बारीकी काटा हुआ प्याज, और साथ में ये रहा आटा, और साथ में लिया है हल्दी और जीरा पाउडर। बस इसे डाल के आज बनाएंगे छिलका रोटी। तो आटे का छिलका रोटी कैसे बनता है, तो भाभी तो रोज बनाता है, एकदम मस्त बनाता है, सारे लोग खाते हैं, लेकिन इसका वीडियो कभी नहीं बनाए। तो आज बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कैसे छिलका रोटी बनती है हमारा घर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बनाने का प्रक्रिया आप लोगों को दिखाएंगे, थोड़ा वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखिए ये रहा आटा, आटा में हमने मिलाया है प्याज, देखिए एकदम बारीकी कटा हुआ प्याज, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में हल्दी और जीरा। देखिए जीरा भी डाल दिया है, जीरा पाउडर। तो अभी डालेगा हल्दी, देखिए ये हल्दी। देखिए डाल दिया है, तो उसे थोड़ा मिला लेंगे, और साथ में नमक भी डालिएगा। और साथ में पानी, ये मस्त पिसा हुआ मसाला का पानी दे दिया, तो साथ में तो अच्छा वाला पानी डालेंगे। Thank you.
तो फाइनली हमारा ये बन चुका है। तो बनाने के लिए तो सामान तो हमने सारा मिला लिया है, बस सब बनाएंगे छिलका रोटी। तो देखिएगा, देखिए तो हमारा छिलका रोटी अभी बनाने के लिए प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। देखिए तावा में दे दिया है भाभी ने। तावे के ऊपर कितना सुंदर दिख रही है देखिए। देखिए कितना सुंदर दिख रही है। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे बनने के बाद आप लोगों को खा के बताएंगे तो कैसा टेस्ट है। हम तो रोज़ खाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा बनाने के बाद आप लोगों को बताएंगे। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। तो गांव का खाना कैसे बनता है देखिए। देखिए आटे का छिलका रोटी कितना सुंदर बनी है देखिए। फिर से बनाएंगे। तो हमारा छिलका रोटी बढ़िया बनी है। ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏପଟୁ गुगु सिंगर नहीं कर रहे दी भाई मैचिंग करी जगह मिल जाए ना ना फाइनली हमारा छिलका रोटी बन चुकी है। बस खा के टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। एकदम मस्त बनी है। तो आप लोग घर में जरूर ट्राई करें। छिलका रोटी मस्त बनती है और स्वादिष्ट बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मसाला ऐड करके हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए मस्त लगता है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कैसा टेस्ट है भाभी? मस्त, बढ़िया टेस्ट है। मैं बैठे बैठे दो रोटी खा चुका हूँ, छिलका रोटी बढ़िया लगता है।
फाइनली हमारा छिलका रोटी तो मस्त बनी थी, तो सारे लोग मिलके खाए ब्रेकफास्ट। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।